तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या अगर आप पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप किस तरह से पार्टनर्स को या कितने टाइप्स के पार्टनर्स को आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो पार्टनर है वो है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या करेगा, आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो भी इसका कैपिटल का रेशियो हो सकता है वो लेकर आए और आपके बिजनेस के अंदर वो बाकायदा काम भी करेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक शख्स है मेरे पास आया, मैंने कहा भाई मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो, या मेरा कोई फ्रेंड है मैं उसको अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा भाई फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज़ मेरे हैं, 5 लाख रुपीज़ तुम लेकर आ जाओ और बराबर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा। लेकिन कब होगा, जब तुम बराबर का मेरे साथ मिलकर काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 आवर्स का हमारा बिजनेस है, हम उसके अंदर बिजनेस आवर्स जो हैं वो हमारे 8 आवर्स हैं, तो मैं भी अगर 8 आवर्स काम कर रहा हूँ तो तुम भी 8 आवर्स काम करोगे, उसी टाइम में दोनों साथ रहेगा। ठीक है, अगर मैं 4 आवर्स काम कर रहा हूँ स्टार्टिंग के, तो तुम लास्ट के 4 आवर्स काम करोगे, यानी प्रॉपर 50-50% हर चीज़ होगी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 50-50% है। तो एक्टिव पार्टनर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या होता है, पार्टनर होता है जो कि इन्वेस्टमेंट भी करता है और आपके साथ मैनेजमेंट वगैरह में सारी चीज़ों में सारे फंक्शंस में हेल्प भी करता है आपकी, उसको हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। हमारे पास होता है साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। इसमें क्या होता है, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करे और प्रॉफिट शेयर और जो भी हमारे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग हैं, हमारे जो भी उधार है उसके ऊपर हमारा हिस्सा हो, लेकिन अपने स्किल्स आपके बिजनेस को ना दे। फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई फ्रेंड है, उसने कहा कि यार तुम्हारा बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, एक काम करो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं वो भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, चलाना तुम्हें है जैसे तुम्हें चलाना है वैसे चलाओ, लेकिन मुझे उसके अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, यानी जो प्रॉफिट शेयर है मेरा वो मुझे दे दो। इस तरह के पार्टनर्स को हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स या साइलेंट पार्टनर्स, जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में या कंट्रोल में कोई उनका इख्तियार नहीं होता, वो प्रॉफिट या लॉस में शेयर रखते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में या लाइबिलिटी के अंदर शेयर रखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल वो नहीं लेते, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे पास सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर्स कौन से होते हैं, कुछ ऐसे पार्टनर्स जो कि हमारे बिजनेस में शामिल तो होते हैं लेकिन उसको हम एज अ पब्लिक में शो नहीं करवा रहे होते। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कहते हैं यार पार्टनर्स तो बना लो मुझे, लेकिन किसी को बताना मत, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में तुम्हें दे रहा हूँ। जिस तरह से हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स काम करते थे, उसी तरह से आपके जो हैं सीक्रेट पार्टनर्स भी काम करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में कंट्रोल या मैनेजमेंट में अपने स्किल्स में आपकी हेल्प नहीं करते, शेयर रखते हैं प्रॉफिट या लॉस के अंदर और लाइबिलिटी के ऊपर, लेकिन साइलेंट पार्टनर्स और सीक्रेट पार्टनर्स और साइलेंट पार्टनर में फ़र्क ये है, साइलेंट पार्टनर्स जो होते हैं वो शो करवा देते हैं कि भाई मैं भी इस बिज़नेस का पार्टनर हूँ, सीक्रेट पार्टनर्स मना करते हैं कि हमें शो नहीं करवाया जाए कि हम भी इस बिज़नेस के पार्टनर हैं। हमारे पास आते हैं एक और काइंड पार्टनरशिप की, वो है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं, वो इस तरह के पार्टनर्स होते हैं जिसको हम पब्लिक पर शो तो करवाते हैं कि हमारा पार्टनर है या हमारे पास या इसकी भी इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में लगी हुई है, लेकिन वो एक्चुअल में हमारा पार्टनर नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो आपके बिजनेस के अंदर होते नहीं हैं, बस आप उनका एक नाम शो करवा देते कि ये हमारे बिजनेस के पार्टनर है और हम इनके साथ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगह ऐसा होता है गुडविल के लिए लोग कर देते हैं कि आपने उनको ऐसा इंट्रोड्यूस करवाने कि ये हमारे बिजनेस के पार्टनर हैं, जबकि वो आपके बिजनेस के पार्टनर्स नहीं होते, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, वो आपके उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रख रहे होते, यानी ना उनको प्रॉफिट मिलेगा ना उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं उनको हम नॉमिनल पार्टनर्स कहते हैं, जो एक्चुअल में नहीं होते हम, लेकिन उसको शो करवा देते हैं कि वो हमारे पास पार्टनर्स हैं। ऐसा अक्सर होता है जब आपके पास टैक्स रेवेन्यू की प्रॉब्लम आ रही होती है या टैक्स का मसला आ रहा होता है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत अच्छी सेल हुई, 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स जो लग रहा है वो लग रहा है 35%, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो 4 पार्टनर्स में, जबकि होते 2 पार्टनर्स हैं, लेकिन शो ये करवाते हैं कि आपके पास 4 पार्टनर्स हैं, तो इस तरह से आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है। ये हमारे पास है माइनर पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस बहुत अच्छे ग्रो चल कर रहा है, ठीक है, मेरे पास एक शख्स आता है कहता है यार मुझे भी अपने बिजनेस में एंटर कर लो, लेकिन मैं जो हूँ वो सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस ऑलरेडी 1 करोड़ रुपये का है, तो मैंने क्या करा उसको एज अ बिजनेस में पार्टनर के तौर पर अपना फॉर एग्जाम्पल शेयर तो दे दिया मैंने, जो भी उसका शेयर बन रहा था 1 लाख का, वो तो मैं उसको दे रहा हूँ, प्रॉफिट का शेयर भी दे रहा हूँ, लॉस का शेयर भी दे रहा हूँ, लाइबिलिटी का भी एक लिमिटेड शेयर जो उसकी रेशो है
यानी कि पार्टनरशिप का जो उसका रेशियो है, शेयर है, वो भी मैं उसको दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसको मैनेजमेंट के अंदर एक तरह से कहा जाए कंट्रोल नहीं दूंगा। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि तुम आओ मेरी मीटिंग्स के अंदर बैठो और डिसाइड करो कि क्या बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं, क्योंकि वो बहुत माइनर कंडीशन में पार्टनर है, लेकिन बहुत माइनर पार्टनर है, बहुत छोटा सा वो इस बिजनेस के अंदर उसका शेयर है। इसलिए मैं उसको प्रॉफिट दूंगा जो भी उसके शेयर का होगा, लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा जो भी उसके शेयर का होगा, जो लायबिलिटी होगी वो भी उसको बेयर करनी पड़ेगी जो उसके शेयर की होगी, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग की पावर उसको नहीं दी जाएगी। तो ये थे हमारे पास कुछ पार्टनरशिप की काइंड कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड हैं तो किस किस तरह से पार्टनर्स को अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को आप बोलें कि यार ये पार्टनर तो अच्छा है लेकिन इसके स्किल्स इससे भी ज़्यादा अच्छी हैं, तो अगर मैं इस शख्स को पार्टनर ले रहा हूँ तो मैं इसको एज अ एक्टिव पार्टनर रखूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने कहा इसके बाद पैसा है काम वाम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है उस शख्स को पार्टनरशिप में लेकर आ रहे हो लेकिन आप उसको स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर ला सकते हैं कि वो अपने स्किल्स ना दे, या स्किल्स नहीं दे सकता तो कोई मसला नहीं है, खाली इन्वेस्टमेंट दे दे और उसी के हिसाब से उसका शेयर जो भी प्रॉफिट लॉस का या जो भी उसकी लाइबिलिटी का शेयर होगा वो उसको बेयर करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ हमारे पास काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे राइट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप के राइट्स क्या होते हैं। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।